वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में, खुश आमदीद। अच्छा जी, आज जो हम सुबह से बातचीत करें ना कि किस तरह से आज मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रही किसी किस्म का, आज मैं आपसे सवालात कर रही हूँ ताकि आप अपने अंदर देखें। कहते हैं ना, सेल्फ एनालिसिस अपना साथ साथ करें और आपको पता होना चाहिए कि क्या इस चीज़ में आप लैक कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे। तो आज जो मैंने आपसे सवालात किए वो ये कि क्या आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, क्या आप चाहते हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं लेकिन आप नहीं जा पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे होते अपने फ़ोन के साथ उसी एक सोशल मीडिया की दुनिया में जिससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है। ये मैं नुकसान बता रही हूँ लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप ऐसा करते हैं। अच्छा जी, इस आदत से किस तरह से, अगर आप ऐसा करते हैं या आदत आपके अंदर है, इस आदत से किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात हो रही, तो हमने सोचा क्यों ना राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी स्टार से मुलाकात करवाएं। काशिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है जो कि फुटबॉलर हैं और ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी इस वक्त जो हालिया सैलाब है उसके लिए जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी किस तरह से आगे बढ़ चढ़ के सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड में जाएं या अपनी अपनी कैपेसिटी में किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो काशिफ भी उन्हीं में से एक हैं। काशिफ अभी अब्रॉड से आए हुए हैं आजकल और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं ये हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। अस्सलाम सबीन, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा कि आप, अभी कितने अर्से बाद वैसे पाकिस्तान आना हुआ आपका? एक्चुअली मैं पाकिस्तान 4 महीने पहले था जब ये अफगानिस्तान की सिचुएशन थी, उधर भी हमने थोड़ी हेल्प करी थी जो अफगानी लड़कियाँ पाकिस्तान में आई थी, तो फिर वापस आए अब मैं। अच्छा काशिफ, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा आपके करियर की बात करें, क्योंकि मैं इससे पहले अनाउंस करी थी कि हमारे स्टूडियो में अभी जितने लोग हैं बहुत एक्साइटेड थे जब उनको पता लगा कि काशिफ सिद्दीकी आ रहे हैं और बता रहे थे काशिफ सिद्दीकी आ रहे हैं क्योंकि फुटबॉल बहुत ज़्यादा वो फॉलो कर रहे हो तो मैं चाहूँगी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं सबसे पहले आपका फुटबॉल करियर किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से दिल किया कि अच्छा जी मुझे फुटबॉल ही खेलना है। यूके में जो भी छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, इट्स हर बच्चे की ड्रीम होती है कि मैं फ़ुटबॉलर बनूं, ताकि जो यूके है उनका जो सब कुछ कल्चर है ना फुटबॉल पे बना हुआ, जिस तरह हमारा हॉकी पे था, हमारा क्रिकेट पे है, तो बिल्कुल सेम है। हर बच्चे की तरह मेरे पास एक एक ड्रीम थी कि मैं फ़ुटबॉलर बनूं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम उधर फेस करते हैं ना, काका, जिस तरह रेसिज्म हो गया, अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा, तो फिर ऑब्वियसली हमें अपनी फैमिलीज पर रिलाई करना पड़ता है। तो मेरी जो अम्मी थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, और आप फनी जो आप अभी बात कर रही थी सोशल मीडिया वगैरह की, ताकि उस ज़माने में तो इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, फिर भी लेकिन जो दूसरी चीज़ें थी, मम मुझे हर वक्त मेक श्योर करती थी मैं ट्रेनिंग जा रहा हूँ, मैं सही खाना खा रहा हूँ, पराठे नहीं खा रहा तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली का ख्याल रख रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और ऑब्वियसली फैमिलीज़ को तो पता नहीं होता इतना, आई मीन सॉरी बच्चों को पता नहीं होता, तो माँ पे आता है, बाप पे आता है कि उनको हेल्प करें, बताएं भाइयों बहनों एक्सेट्रा। तो रियली मम मेरी रोल मॉडल थी, उन्होंने मुझे सारा कुछ सपोर्ट करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल का था तो मुझे पहले ही अपनी अपॉर्चुनिटी मिली, काउंटी के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भरा। तो मैं 16 साल का था, मैंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, और फिर बस आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ती रही, जर्नी चलती गई साथ साथ और शौक मजीद बढ़ता गया। एग्जैक्टली। अच्छा काशिफ, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ आपने रिप्रेजेंट किया, क्या क्या आपने जीता, आगे के क्या प्लान हैं आपके, किस तरह से अभी चीज़ को आपने प्लान किया हुआ है? तो पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन आई थी एक्चुअली बहुत ऑर्गेनिकली आई थी, मैं एक्चुअली यहाँ आया हुआ था पाकिस्तान में, मैं खेल रहा था तो कोई स्काउट्स ने मुझे देखा था, तो वो बेसिकली कह रहे थे तुम कहाँ खेलते हो, तो फिर ऑब्वियसली मैं यूके से था, तो फिर मुझे उन्होंने इनवाइट वापस करा। एक्चुअली कैंप चल रहा था उस वक्त 2008 बीजिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स का, तो सिंगापुर के साथ था एक्सेट्रा, तो फिर मैं जब लड़कों को मिला तो उसी वक्त हमारी बहुत जेल हुई और बड़ा मज़ा आया सबको मिलके, ताकि उस लड़के सारे पूरे पाकिस्तान से थे कैंप में, तो मेरा बहुत दिल लगा उनके साथ। मैंने मम को कहा मैंने थोड़ा फोकस करना है, तो एक्चुअली मैंने तीन चार महीने स्पेंड करे पाकिस्तान में। अच्छा। कैंप में सारा एग्जैक्टली लेकिन जो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़के आते थे वो एक्चुअली वापस घर चले जाते थे 2-3 वीक के लिए आके एक्सेट्रा, लेकिन मुझे ये बहुत लगा कि मुझे टाइम स्पेंड करना है बच्चों को, सारे लड़कों के साथ और ये वो। तो
शुरू हुआ कैंप लगे, हमने मैचेस खेले बहरीन के साथ खेला, मैंने एक्चुअली मेरी जो डेब्यू था बहरीन के साथ था, फिर कतर में खेले ओलंपिक्स में, फिर उसके बाद मुझे फिर इनवाइट करा था साफ चैम्पियनशिप में 211 में, हम मलेशिया गए थे उधर उधर खेला हमने, और फिर सबसे जो मेरी जो आइडियल थी वो हम मालदीव गए थे, तो पाकिस्तान के साथ हम मालदीव में खेले साफ चैम्पियनशिप में, अमेजिंग, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था और सब कुछ ओबियसली। तो फिर उसके बाद फिर मैं अमेरिका चले गया, मैं 4 साल अमेरिका में रहा, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे वापस आने के लिए। अच्छा अच्छा काशिफ, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि पहली दफ़ा जब जीते तो कैसा फील हुआ, डेफिनेटली खुशी हुई होगी सिचुएशन को सर से, क्योंकि खेल है जहाँ पर, तो फिर हार और जीत तो साथ साथ है। Exactly. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही हारते रहे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही जीतते रहे, तो कभी हारे कभी जीते, पहली दफ़ा जब हारे तो क्या फीलिंग थी सिचुएशन को उस जब छोटा था कि जब मैं बड़ा हो गया? जब बड़े हो गए थोड़े से, जब प्रोफेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया तो इंटरेस्टिंग है, ताकि मैं उस दिन बात कर रहा था अपने दोस्त से, वो प्रोफेशनल खेलता है यूके में, बेसिकली जब प्रोफेशनल खेलो ना तो वो खुशी की बात ख़त्म हो जाती है फुटबॉल से स्पोर्ट्स में, ताकि जब मैं दोस्तों के साथ खेलूं वो मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता, और जिस तरह आप आते हैं काम पे प्रेशर पड़ता है टीवी पे एक्सेट्रा, फुटबॉल भी सेम है, तो आओ सुबह आओ ट्रेनिंग करो, और इतनी रेजीम होती है, मैं 6-7 घंटे पूरे दिन में ट्रेन करता हूँ। 6-7 घंटे अभी भी आप ट्रेनिंग करते हैं? जी, अब तो मुझे वैसे अब चोट लगी हुई है लंबी, तो अच्छा। मैं अपनी रीहैब कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल हमारा दिन इतना 6-7 घंटे होता है। तो ये सिर्फ फुटबॉल में होता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं बच्चों में से, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ, लेक्चर नहीं दे रही किसी को भी कि स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी भी, ये फुटबॉल में होता है सिर्फ, या ये सारे प्लेयर्स की यही रूटीन होती है? आई मीन क्रिकेट में भी आई एम श्योर जब प्रोफेशनल लेवल पे चले जाओ तो ऑब्वियसली लंबे दिन होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अमेरिकन फुटबॉल एक्चुअली जो उधर अमेरिका में हाथ से खेलते हैं, वो मैं किसी से बात कर रहा था, उनके तो 14 घंटे ट्रेनिंग होती है दिन में, 14 घंटे 6-7 घंटे, सुबह 5 बजे शुरू करते हैं। देखिए सही, आप वैसे डरा रहे हैं, नहीं नहीं इतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी इतने आते हैं, यू नो, सो मेरा यह है कि देखो जब स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बंदे की स्पोर्ट नहीं, नेबर की नहीं, कम्युनिटी, फिर विलेज, टाउन, आप रोल मॉडल बनते हो अपनी कम्युनिटी के लिए, आप अपनी नेशन के लिए रोल मॉडल बनते हो और एक दूसरे के लिए, तो ये मुझे लगता है जो आजकल जो भी हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, अगर हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा काम करें, ज़्यादा बात करें, स्पोर्ट ये चीज़ें सिखाता है, डायलॉग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। तो मेरे जो भी जिस तरह मुझे प्रेशर पड़ता है दूसरी चीज़ें लाइफ में, मैं लाइफ में इतना प्रेशर नहीं लेता, ताकि जो लिखा है एक चीज़ अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि स्पोर्ट ने मुझे सिखाया, जो भी प्रेशर आए आपको फिर भी अपनी खेलना है मैदान में, फिर भी बॉल तो जीतना है, आपने परफॉर्म तो करना ही है ना। Exactly. चाहे आप जीते हारे कुछ भी हो, लेकिन आपने परफॉर्म करना है। Exactly. आप भाग नहीं सकते उस टाइम पे उस सिचुएशन से। Exactly. तो बच्चों को जो भी जो मैं काम करता हूँ फुटबॉल के आउटसाइड एनजीओ वगैरह जो मैं करता हूँ, मैं ये सिखाता हूँ बच्चों को कि जो भी लाइफ में प्रेशर्स पड़ रहे हैं, जिस तरह फैमिली प्रेशर्स, स्कूल प्रेशर्स, एग्जाम्स, यू नो, बुलिंग, इस तरह की चीज़ें, अब COVID-19 की वजह से आप जिस तरह बात कर रही थी, बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह में अब कमरों में बंद कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। Exactly. और mentally, जो वो आपको एटलीस्ट प्रिपेयर नहीं करती फ्यूचर के लिए। और अमूमन बहुत सारे लोग काशिफ, हम देख रहे होते हैं बच्चों से, आज जो हमने सवाल किया, आपने इससे पहले भी सुना, प्रोग्राम को फॉलो करते आ रहे हैं अभी स्टार्ट से, सो हम यही पूछ रहे हैं सबसे कि बाज़ों का आपका दिल कर रहा होता है कि आप खेलें जाकर, आप ग्राउंड में खेलें, आप अपने घर से निकलें, कोई आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, लेकिन एक चीज़ जो माइंड में आ रही होती है बच्चों के, अच्छा हम अपने कंफर्ट जोन से, उनका कंफर्ट जोन अब क्या बन गया है कि आपने अपने फ़ोन के अंदर रहना है, सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया उन्होंने बसा लिया है, उससे किस तरह से बच्चों की फिजिकल हेल्थ मुतासर हो रही है? वो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, अब मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान में क्या उसका, लेकिन यूके में तो बहुत इसमें इश्यूज़ हैं, जिस तरह प्रिंस विलियम बहुत सपोर्टर है, हमें सपोर्ट करता है, प्रिंस विलियम बहुत एडवोकेट कर रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स में भी अब जो प्रेशर्स आते हैं, तो एक तो फिजिकल हो गया और फिर जो मेंटल, अगर उन दोनों को कंबाइन करो तो एक्चुअली सिचुएशन क्वाइट जल्दी से डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए जिस तरह आप कह रही हैं स्पोर्ट्स,
एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली फैमिली इंगेजमेंट भी उससे मिलती है कि बाहर जाओ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मम्मी के साथ फुटबॉल खेलना शुरू करो, लेकिन लेकिन अबू, मम्मी, फैमिली, बहन भाई, डू थिंग्स टुगेदर। और दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल तो नहीं है, इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ हम। अच्छा, इसको भी मैं चाहूँगी कि हमारे पास अभी वक्त बचा तो हम मज़ीद इस पर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी सुबह से हम इसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन काशिफ, अभी जो एक चीज़, एक तो आप खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जीते, नाम रोशन कर रहे हैं, वो एक चीज़, वो अचीवमेंट अपनी जगह जिसको हमने डिस्कस किया। लेकिन आज जिस चीज़ ने हमें इंस्पायर किया और हमने सोचा कि आपको हम येलो सोफे पे बिठाएंगे, वो ये कि आप उन पाकिस्तानियों में से हैं कि जहाँ पर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं पर आप इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन चल रही है, एक डिज़ास्टर है, वहाँ पर भी आपने सोचा कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं पीछे ना रहूँ, और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करूं जिनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है। जी जी जी। तो अभी आप अब्रॉड से इसी सिलसिले में आए हैं। जी, तो एक्चुअली जो सैड सिचुएशन है कि ऑब्वियसली जब ये शुरू हुआ, मीडिया वगैरह में आना शुरू हुआ, ऑब्वियसली हमने सारा फॉलो करा, और उस वक्त था कि कुछ करें, लेकिन काफ़ी दुनिया उस वक्त हाईलाइट कर रही थी, लेकिन ये 2 वीक मीडिया में रहा, 2 वीक में अब यू नो ख़त्म हो गया। तो फिर मेरे दिल में आया, अच्छा ये टाइम हो गया, अब क्या पाकिस्तान को लोग भूल गए? 40 मिलियन अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि डिस्प्लेस लोग हैं। 1 मिलियन एनिमल्स फोर्थ हो गए। पूरी यूके का जो इक्विवेलेंट है, पाकिस्तान पानी के अंदर है। तो ये सिचुएशन कोई शॉर्ट टर्म सिचुएशन नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे थे ना कि किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, उनका सर्वाइवल किस तरह से हो सकता है, बट अब हम रिहैब की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या क्या किया, आपके क्या प्लान्स हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली जब ये अब हम 5 साल देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं सिचुएशन को, तो मैंने ब्रिटिश एयरवेज से, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सुहेल अली, वाइस प्रेसिडेंट है मिडल ईस्ट एशिया अफ्रीका का, ठीक है, वो एयरलाइन के लिए काम करता है, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा देखो हम क्या कर सकते हैं साथ। तो उसने एक्चुअली पुश करा सीईओ के ब्रिटिश एयरवेज को कि तुम लोग सपोर्ट करो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अभी। तो वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमें कहा देखो हम तुम्हें अनलिमिटेड कार्गो देते हैं, आप लोग जाके जो भी ला सकते हो सामान वगैरह लाओ। तो फिर हमने कंपनीज के साथ काम करा यूके में, ठीक है। तो 1 महीने से हम काम कर रहे हैं, और बेसिकली हमने मेडिकेशंस, एड, कपड़े, दवाइयाँ एक्सेट्रा सारा कलेक्ट करा, और हम अभी 10 टन लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने कहा यह भी शॉर्ट टर्म है, बेसिकली जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। कल मैं फ्लाइट से लैंड करके सीधा हम चरसदा गए, फ्लड्स पे जाके देखा, जो बेचारे 20 घर बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे, बच्चे रो रहे हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को कह रहे हैं कि हमें वापस घर जाना है, और घर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली रीबिल्डिंग जिस तरह आप कह रही हैं, वही बात है काशिफ के, अपना घर अपना होता है, चाहे वो जितना भी हो, जैसा exactly. भी हो, तो वो इस वक्त जो उन बच्चों की मेंटल हेल्थ होगी कि अपनी चीज़ उनकी चली गई है, तो वो सिचुएशन उसको समझना इस वक्त exactly. बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। और एक्चुअली उस सोच में, जिस तरह पाकिस्तान सिचुएशन में, हम ये नहीं देख रहे कि जो आप जिस तरह कह रही हैं, जो मेंटल हेल्थ है अभी जो बच्चा फील कर रहा है, कि वो 5-10 साल में कैसे अफेक्ट होगा बच्चा। ताकि अभी तो हम जिस तरह सपोर्ट करते हैं खेलना एक्सेट्रा, बच्चे को तो खेलना है ना, तो अगर हम अगर बेसिक्स नहीं दे सकते अभी बच्चे को, तो फिर खेल कहाँ से आएगा, तो फिर बच्चा अपना डेवलप कैसे करेगा? एग्जैक्टली exactly. अच्छा अभी काशिफ, आप यूथ का रोल किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन में? क्योंकि इससे पहले, मेरी आपसे ब्रेक से पहले भी जब बात हो रही थी, तो आपने कहा कि मैं यूथ को एम्पावर करना चाहता हूँ कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अभी आप यूथ का कैसा रोल देख रहे हैं? अब मैं जिस तरह, मैं तो स्पोर्ट्स से बात करूँगा, मेरा जो है कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो प्रमोशन हम दे सकते हैं बच्चों को, कि वो एम्पावर हों, कि प्राउड हों पाकिस्तानीज, और जो हमारे जो बच्चे ओवरसीज़ हैं, यूके में, अमेरिका में, दूसरी यू नो यूरोप में एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलिया में, कि वो भी एम्पावर हों, और जो हमारे पाकिस्तान के डायस्पोरा के जो बच्चे यहाँ हैं, वो सारे कनेक्ट हों, एक दूसरे के साथ काम करें। और डेफिनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ के स्पोर्ट्स एम्पावर कर सकता है। देखो जो फुटबॉल अलोन है, 3.5 बिलियन लोगों को फुटबॉल टच करता है, जो फैंस वगैरह हैं। अब अभी कतर का वर्ल्ड कप आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड कप आएगा फीफा का मुस्लिम कंट्री में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूज़ करें, उसका कैटलिस्ट करें, कि हम देखो
नेबर कंट्री है, देखो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और वो यूज़ करें, हम अपना प्रमोशन करें स्पोर्ट्स का या फुटबॉल का, और फिर बच्चों को इन्वॉल्व करें. जो हमारा प्रोग्राम है, हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को इंसेंटिव दें कि जाके अपने अम्मी अभी को अबू को हेल्प करें, ठीक है, कुछ अपने घर में कुछ अच्छा काम करें. और मेरा ये है बच्चों के साथ कॉल टू एक्शन है कि मेरा जो प्लान है, मैं रोल मॉडल्स को और फुटबॉलर्स को यहाँ लाऊँ बड़े बड़े यूरोप से, और बच्चे उनके उनको लुकअप करें कि हम चीज़ें साथ करें, और जो अभी सैलाब आया है कि सारे साथ मिलके इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें, और ये हमारा प्लान है. सो ये आई थिंक ये भी एक अच्छी सोच है कि अभी आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि इस वक्त आपने किस तरह से निकालना है, लेकिन अब ये आपकी आप बात करें, मुझे लग रहा है ये तो एक लॉन्ग टर्म आपने बिल्कुल ठीक बात की कि उनके जहनों पे किस तरह का असर हुआ है इस वक्त, उनको आपने दोबारा किस तरह से एम्पावर करना है, उनको आपने दोबारा किस तरह से वापस उनको वो कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि आपके साथ आप एक ट्रॉमा से जब गुजर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. मुश्किल तो डेफिनेटली है लेकिन नामुमकिन नहीं है साथ साथ. तो हम सब मिलकर अभी इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. मैं बहुत सारे और भी लोगों को देख रही हूँ जो कि फील्ड में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं कि किसी तरह से आप उन लोगों को वापस जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएं. सो थैंक यू सो मच काशिफ, बहुत अच्छा लगा. बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट. मैं इस वजह से कहूँगी क्योंकि एक स्पोर्ट्स की तो हम साथ साथ बात करते हैं, लेकिन आपको आपने स्पोर्ट्स को जिस तरह से यूथ एम्पावरमेंट के साथ आपने इस वक्त जोड़ा है, लिंक किया है, वो शायद एक हम सबके लिए एक नई चीज़ थी कि एक स्पोर्ट्समैन होना क्या होता है और पाकिस्तान को आप किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, और स्पेशली जिस तरह से आप अभी पाकिस्तान के लिए काम करें. वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और अभी वाले काम में भी और इसके साथ साथ जो आप अपने स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट करें. वी होप कि आप हमेशा अपना बेस्ट दें और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम और आप भी हमारे साथ आके खेलें नेक्स्ट टाइम. अगर आप मुझे बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू करें और आप बिल्कुल कहें कि जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. वैसे ये भी हमारे पास वक्त बहुत कम है, मेरे कान भी शोर मच रहा है सर के, वक्त कम है. मैंने भी ये भी पूछ सकती थी कि जिन लोगों को लगता है अच्छा वो कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सके उन्हें क्या करना चाहिए, तो फिर बिल्कुल बेसिक, लेकिन इंशाल्लाह हम बात करेंगे. बिल्कुल ज़रूर इस पर हम बात करेंगे. खवातीन आज़ाद, हम बढ़ेंगे सोशल मीडिया की जानिब, और सोशल मीडिया सेगमेंट हमारा आपके मैसेजेस हैं जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि काशिफ को भी ज़रा पाकिस्तान की सैर कराएं हम सोशल मीडिया के थ्रू ही. तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम पिक्चर शामिल करेंगे. सबसे पहले हमें एमन खालिद ने कायदाबाद से, हमें डिस्ट्रिक्ट खुशाब से, हमें उन्होंने याद किया है, कुछ पिक्चर्स भेजी हैं. आइए देखते हैं जी एमन ने हमें क्या भेजा है. ये देखें जबरदस्त, आपने दरख्त भेज दिए हैं, क्या जगह है. अच्छा खुशाब से भेजे इन्होंने, ठीक है जी, ठीक है जी. ये क्या है? ये मेरा इम्तिहान शुरू हो जाता है यहाँ पे. ठीक है जी, पौधा था वो, कौन सा पौधा था मुझे नहीं पता कौन सा पौधा था. ये देखें जी, अच्छा मेरे ख्याल में इनको प्लांट्स का बहुत शौक है, ग्रीनरी, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे होते हैं कि प्लांटेशन का, और लोग अब जिस तरह गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे होते हैं राइजिंग पाकिस्तान में. सो ये इनका बाग है शायद, कुछ हमें डिस्क्रिप्शन भेजते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि हम ऐड कर लेते हैं. ये भी दरख्त नहीं है, ये पौधा है. देखें जी ज़बरदस्त, क्या बात है जी. एमन थैंक यू सो मच. अली हसन ने हमें हाफिजाबाद से याद किया है. आइए देखते हैं जी कुछ पिक्चर्स उन्होंने हमें भेजी हैं. वाह क्या बात है, जबरदस्त. ये कौन सी जगह है? वाह 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 क्या बात है, उफ अल्लाह. अब जब मैं ग्रीनरी देख रही होती हूँ कि किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे होते हैं नेचर को, और आप अपनी आप सब को छोड़ के, बेशक अभी फ़ोन से पिक्चर ली हुई है, लेकिन जो आप कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. साथ साथ अभी आप भी वेकेशंस पे कहीं गए काशिफ पाकिस्तान में? अभी तो आप क्योंकि सैलाब के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ है कि वो ग्रीनरी याद आती है. मुझे याद है माँ मुझे लेकर गई थी स्कर्दु स्वाद. अच्छा अच्छा. मुझे एक याद है वो जो एरोप्लेन लैंड होता है बिल्कुल माउंटेन्स के अंदर, बहुत खूबसूरत है. एग्जैक्टली वो एक फेवरेट प्लेस मेरी दुनिया में स्कर्दु. आपकी फेवरेट प्लेस है अभी? स्कर्दु के लोग इस वक्त बहुत फोटो भेजे किसी ने स्कर्दु की? नहीं अभी हमारे पास नहीं है, शायद देखते हैं आगे चल के हमारे पास कुछ आ जाए. शमसुल हसन ने हमें डेरा गाजी खान से याद किया. आइए देखते हैं जी शमसुल हसन ने हमें क्या भेजा. वाह क्या बात है, जबरदस्त जी जबरदस्त. ये तो यूके की कंट्री साइड लग रही है. ये वैसे हमें पाकिस्तान से ही पिक्चर है, डेरा गाजी खान से हमें पिक्चर आई है. अच्छा जी ताहिर शमशाद ने हमें ओकाड़ा से याद किया. ये देखते हैं जी ताहिर ने हमें क्या भेजा. वेरी नाइस ले जी जबरदस्त.
ये भी वो देखिए जो हम नेचर की बात करते हैं ना कि आपने नेचर को किस तरह से, क्योंकि हम एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, तो डिफरेंट ड्राइंग्स के थ्रू आर्ट के थ्रू भी लोग बता रहे होते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जो अभी हम सैलाब की बात करें. डेफिनेटली स्पेशली लॉन्ग टर्म, ताकि क्लाइमेट, आप देखो क्लाइमेट की सिचुएशन, जो आग लग सकती है, रेजिलियंस, फ्लड्स, ड्राउट्स, सारा कुछ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग की लॉन्ग टर्म है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, और डेफिनेटली इस पे हम सबको मिलके काम करना है कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, निमरा इलास ने हमें झेलम से याद किया, आइए देखते हैं जी निमरा ने हमें क्या भेजा है झेलम से. ये कोई आर्ट वर्क बनने जा रहा है? नहीं, ये आर्ट वर्क बन चुका है, ये पेंसिल बॉक्स है, इन्होंने बनाया है पेंसिल होल्डर. वाह जी वाह, ये हमें रुबाब ने और आयजा हमें जो बनाना सिखाती हैं, उन्होंने वहाँ से देख के इसको क्रिएट किया है, और साथ साथ ये बहुत प्यारी सी ड्राइंग्स है जिससे हम सबकी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं. अच्छा काशिफ, हमने तो बचपन में ऐसे हट्स बनाने और ये चीज़ें हमने तो बहुत ज़्यादा की हैं, आपने भी इस तरह की ड्राइंग की है? लगते नहीं थे हट्स. अच्छा. ट्राई तो करी है बहुत. अच्छा. लेकिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इनका अच्छा नहीं था. नहीं, इतना अच्छा नहीं था. अच्छा, इतना अच्छा नहीं था जैसे इन्होंने बनाया. अच्छे हैं ये, तो मुझे लग रहा है बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट. एग्जैक्टली. लेकिन हमें जब कहा जाता था ना स्कूल में, आप क्योंकि अब डेफिनेट आपकी स्कूलिंग में, हमारी स्कूलिंग में फर्क, तो वो उसमें हमें कहा जाता था ना, आप ड्राइंग की क्लास हो रही है, कुछ भी आप कुछ ड्रॉ करें, कोई सीनरी ड्रॉ करें, तो हमारे माइंड में इस वक्त जितने बच्चे मुझसे कनेक्ट कर रहे होंगे मेरी बात से, कि हम बनाते थे ऊपर बादल बनाते थे, एक सूरज बनाते थे, नीचे एक हट बनाते थे, थोड़ी थोड़ी घास उगा देते थे, और साथ में एक रास्ता बना लेते थे, और साथ साथ ना हमारी कोशिश होती थी तो हम साथ एक छोटा सा पॉन्ड या हम कोई लेक बना देते थे. Oh, nice. ये टिपिकल एक ड्राइंग है, अगर आप किसी भी 90s के बच्चों से भी आप पूछेंगे, और जिन्होंने 2000s में पढ़ा हुआ है, सो वो देख रहे होंगे कि 20s में ना, वो देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने ये ड्राइंग आपका सिग्नेचर थी. जब भी मुझे पूछते थे, मुझे याद आया, मैं हर वक्त ना एक गॉड बनाता था. हाँ. अल्लाह मियां. क्या बनाते थे? गॉड, अल्लाह ऊपर. आप बनाते थे? अच्छा, ओके जी. मेरा वो ड्राइंग यही थी. अच्छा जी, पिक्चर्स हमारे पास ये हैं, और अब हम चलेंगे ज़रा प्रोग्राम में, मैसेजेस की जानिब हम बढ़ेंगे. सोफिया ने हमें खानपुर से याद किया है. सोफिया कहती है कि अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, सबीना पे कल के प्रोग्राम में डॉक्टर नौशीन का सेगमेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मैंने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा, अब तो मैं भी सर्दियों में माल्टे खाना नहीं छोड़ूंगी, जो कि अक्सर गला ख़राब और फ्लू होने की सूरत में घर वाले नहीं खाने देते. ये देखें, मुझे भी कल पता चला, ओके, अक्सर जब आपको फ्लू हो रहा होता है या आपको थोड़ा सा गला ख़राब होता है, तो एहतियात डॉक्टर नौशीन ने भी कहा था कि आपने एहतियात ज़रूर करना है, लेकिन अक्सर वो कहा जब आपको फ्लू हो रहा होता है, तब कहते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है सर्दियों में फ्लू, तो घर वाले कह रहे होते हैं कि नहीं, आपने माल्टे नहीं खाने, और इसकी तासीर ठंडी होती है, और मज़ीद आपका गला इन्फेक्शन हो सकता है. लेकिन एहतियात के साथ उन्होंने बताया कि आप विटामिन सी होता है क्योंकि माल्टों में, तो आप अगर माल्टे खाएँगे तो उससे आपका फ्लू हील हो सकता है. तो बिल्कुल ऐसा ही, ये मैंने नहीं कहा, डॉक्टर नौशीन ने, कि एक्सपर्ट एडवाइस बता रही हूँ, इससे पहले सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें मुझे सुनाई जा रही हो. अच्छा जी, ईमान फातिमा ने हमें सरगोधा से मैसेज भेजा है. ईमान कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वो कहती हैं कि प्रोग्राम आपकी बेहतरीन कोशिशों के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, प्लीज़ आप किसी एस्ट्रोलॉजर को भी इनवाइट करें. अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं, प्रोड्यूसर साहब आप भी नोट डाउन कर लें कि हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को प्रोग्राम में, अगर हम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम बुला सकते हैं, हम ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं. अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो हमें ज़रूर बताएं. अली रज़ा ने मंडी बाहुद्दीन से हमें मैसेज भेजा है. अली कहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये वाहिद शो है जो अपने नाज़रीन की तमाम रिक्वेस्ट को पूरा करता है, हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से मिलना चाह रहे थे, आपने वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर कराची ले जाकर पूरी कर दी. बिल्कुल जी अली, हमारा जो अभी हमने कराची की सीरीज़ स्टार्ट की है, कि हम कराची गए हैं और कराची जाकर हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को कवर किया, क्योंकि हमें इसी तरह की फरमाइशें, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे कि हमें इस स्टार से मिलवाएं, उस स्टार से हमें मिलवाएं. हमने आपको जावेद शेख साहब से भी मिलवाया, और आपकी मुलाकात हम दिन ब दिन, हमारी कोशिश है कि हम करवाते जाएं डिफरेंट मेहमानों से, ताकि उनकी ज़िंदगी से आप सीखते, कि हम स्क्रीन पे उनको देख रहे होते हैं कि वो स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं, लेकिन असल उनका करियर कैसे शुरू हुआ, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, अभी वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं. तो मुझे और तौसीफ को बहुत मज़ा आया उनके साथ गपशप करके, उनसे बातचीत करके, और उनके ख्यालात जान के. तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक गेस्ट के साथ, जो लोग हमें शुरू से नहीं ज्वाइन कर रहे उनके लिए ये एक सस्पेंस है, और हम ये सस्पेंस अभी बरकरार रखेंगे. अच्छा जी, अलीना ने हमें शक्करगढ़ से मैसेज भेजा. अलीना कहती हैं, आप ही, ये तो आपने सच में
आपने बहुत सच्ची बात कर दी है कि हम सब, और मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ, पढ़ाई करते वक्त भी मैं कार्टून देख रही होती हूँ, और सच्ची बात यह है कि मुझे बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं है। ओ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा फ़ोन ही है, मैं इसमें सारी दुनिया की चीज़ें देख लेती हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसका कम इस्तेमाल करूँगी। वैसे ये है कि ये कन्फेशन है इस वक्त काशिफ, जो कि एक हम क्योंकि शुरू से बात करें कि क्या आपको ये आदत है, तो हमें इस वक्त बताया जा रहा है कि जी उनका फ़ोन ही उनका बेस्ट फ्रेंड है। हम किस तरह से, जिस तरह आपने बात की ना कि आपके रिलेशन से आप किस तरह से दूर हो गए, सो ये वही वाली बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटी, आपका खेलने का दिल ही नहीं करता। तो ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है जो आप इंटरेस्टिंग है, ताकि अगर इस सिचुएशन में मैं ऑब्वियसली जिस तरह हम कह रहे थे, अगर टीम हो तो वो टीम आपकी सपोर्ट नेटवर्क बन जाती है। तो एक दोस्त या दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, एक्सेट्रा, तो अगर वो नहीं कर रहा है या कोई उनमें से कर रहा है, तो उनको आपसे बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, और ज़िंदगी में कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम जिस तरह से अपने आप को हमने आइसोलेट कर दिया है, हम काम में बिजी रहते हैं पूरा दिन, या हम सोशल मीडिया की दुनिया में ही रह रहे होते हैं, तो मैं कभी ये सोचती हूँ कि आपको ज़िंदगी में जब आप पे कभी बुरा वक्त आएगा, या आपको कभी किसी दोस्त की ज़रूरत होती है जिस टाइम पे, उस टाइम पर आपके पास कोई भी नहीं होगा। Exactly. और हम उस वक्त कंप्लेन भी कर रहे होते हैं अक्सर औकात कि हमारे पास तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो क्यों नहीं है। लेकिन पता है, हमें फुटबॉल में सिखाते हैं कि अगर जब ये सिचुएशन हो, अगर फुटबॉल में किसी से बात ना कर पाओ, ताकि टीम डायनामिक्स हर वक्त अच्छे नहीं होते, इस तरह कोई टीम में लड़के एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन 5 से at least 2 नाम हर वक्त रखो जिसे तुम कोई बात कोई कर सकता है, या आप ये आप एटलीस्ट कुछ कोई दोस्त आपके होने चाहिए, 5 से 2 एटलीस्ट, कि जिस तरह ये जो कह रही थी, एटलीस्ट एक बंदा इसमें से तो होना चाहिए कि कुछ बात करो, एडवाइस लो। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक बात की काशिफ ने, कि आप मुझे अलीना आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने एटलीस्ट कन्फेस किया, आपने सेल्फ एनालिसिस किया, और आप इस कंक्लूजन पर पहुँची कि हाँ ये चीज़ है, आपने रियलाइज़ इस चीज़ को ज़रूर किया। ऐसे ही हम सब इस चीज़ को रियलाइज़ करें, और आप लोग भी अगर ये सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस इसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता या इसके बाद कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकती, हम इस वक्त बेहतरी की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें, उसका मतलब यही है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, हमने इस चीज़ को, इस हैबिट को तोड़ना है। तो आपने भी फ़ोन का इस्तेमाल कम करना है, रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत देनी है, और अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है या चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है। थैंक यू सो मच काशिफ। थैंक यू। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अब आपको लेकर जाएंगे कराची इस ब्रेक के बाद, और जब आप कराची जाएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे उबैदुर रहमान से, 3D आर्टिस्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं हैरान हो गई उनका काम देखकर, इतना ज़बरदस्त उनका काम है और इतने ज़्यादा पैशनेट हैं वो कि किसी तरह पाकिस्तान के लिए वो काम करें। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि वो एक चीज़ आप रख दें उनके सामने कि ऐसी ही चीज़ आप क्रिएट कर दें, तो वो डिफरेंस एक पिक्चर के अंदर डिफरेंशिएट करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे और तौसीक को बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, उनका काम कैसा है, मैंने इतनी जो हाइप क्रिएट की है, अभी आप जब वो सेगमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बात हम लोग बिल्कुल ठीक करें कि उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। आपकी मुलाकात करवाएंगे उबैदुर रहमान से इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, यह है राइजिंग पाकिस्तान।